हेलो गाइस, सिंपल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी बेसन के गट्टे, जो राजस्थान में बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही पसंद की जाती हैं। ट्रेडिशनल तरीके से इसे मेवाड़ में कैसे बनाई जाती है, चलिए देखते हैं आज की ये रेसिपी। हम लेंगे 2 बड़े कप बेसन के, जो 8 स्पून का है। हम ये सब्जी 4 से 5 जनों के लिए बना रहे हैं। अब इसमें जीरा, अजवाइन, हल्दी और 1.5 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च के डाले हैं। अब इसमें धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग, हींग आप सूखी हींग आधी चम्मच ले सकते हैं। मैंने इसमें गीली हींग यूज़ की है। और मोइन के लिए घी, घी हम 2 चम्मच लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बेसन इस तरह से रखना है। और इसके बाद हम इसमें 2 छोटे चम्मच दही डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि ये ढीला ना हो। बेसन को ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है। अब हम इसकी लोई बना के इनके गट्टे बना लेंगे। ये देखिए हमने पानी को उबाल के रखा हुआ है। अब उबले हुए पानी में हम गट्टों को रखेंगे और इन्हें 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। चलिए हम दूसरी ओर इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, तेजपान, दालचीनी और 2 से 3 लौंग और स्टार फ्लावर। अब इसमें डालेंगे जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 बड़े अनियन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें 1 कटोरी दही लेंगे, उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने गट्टे में भी डाला है थोड़ा सा नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारे प्याज अच्छे से पक गए हैं। और अब ये दही का मिक्सचर हम इसमें प्याज में मिला देंगे और अच्छे से इसे हिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी सी हींग डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हमने गट्टे को बॉईल कर रखा है तो आप देख सकते हैं ये पक चुके हैं, अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम इन्हें अलग बाउल में निकाल लेंगे और इनके ठंडे होने के बाद इनके हम गट्टे कर देंगे। छोटे गट्टे करेंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा छोटे भी नहीं रखेंगे। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। सभी गट्टों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे मसाले में मिक्स करेंगे और जो पानी बचा हुआ था गट्टों का हमने निकाला, वो हम इसमें अब डाल देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखिए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। और गाइस आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। एंड बाय, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।